दोस्तों इस वीडियो में आपको लाइव दिखाऊंगा कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से अपने पैन कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे। दोस्तों पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल में गूगल को यहां पर ओपन कीजिए और यहां पर सर्च कीजिए पैन कार्ड डाउनलोड। इस तरह से लिखकर आपको यहां पर सर्च कर देना है। और दोस्तों उसके बाद जो सबसे पहली लिंक आपके सामने निकल कर आ रही है onlineservices.nsdl.com। दोस्तों ई पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए वेबसाइट का इंटरफेस, वेबसाइट का लुक आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। यहां पर आप एक्नॉलेजमेंट नंबर और पैन कार्ड नंबर की मदद से अपने ई पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम पावती पर जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है उसकी मदद से पैन कार्ड डाउनलोड करना आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहां पर पैन कार्ड की रिसिप्ट के ऊपर देखकर पेस्ट कर देना है। यहां पर इंटर कर देना है आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर। उसके बाद आपको यहां पर अपने आधार कार्ड के ऊपर अपना मंथ ऑफ बर्थ यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका पैदाइश का महीना है वो महीना आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। और पैदाइश का साल दोस्तों यहां पर आपको ईयर ऑफ बर्थ आधार कार्ड के ऊपर देखकर अपना यहां पर इंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है सेम टू सेम ये कोड को आपको यहां पर भर देना है। ऊपर देख देख कर आपको ये कोड भर देना है और दोस्तों उसके बाद सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको देखिए आपका पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, पिन कोड वगैरह दिखाई देगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए मोबाइल नंबर पर आपको टिक कर देना है और ये जो डिक्लेरेशन दिख रहा है सिम इस पर आपको टिक कर देना है और जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा 6 अंकों का। यहां पर आप देख सकते हैं ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और दोस्तों ये 10 मिनट तक वैलिड होती है। तो ओटीपी आपके मोबाइल में आपको देख लेना है और दोस्तों यहां पर उसे भर देना है और वैलिडेट पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों वैलिडेट करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं थैंक यू फॉर यूजिंग फैसिलिटी ऑफ डाउनलोड ई पैन कार्ड। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं ये एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल होती है। आप उसे पीडीएफ में और एक्सएमएल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं डाउनलोड ई पैन पीडीएफ। दोस्तों जैसे ही आप डाउनलोड ई पैन पीडीएफ पर क्लिक करेंगे ये फाइल आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। और दोस्तों यहां पर ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल होती है। दोस्तों आपको पासवर्ड का एग्जांपल भी मैं बता देता हूं। दोस्तों यहां पर देखिए अगर आपकी जन्म तारीख 04/02/2003 है, 04/02/2003, तो दोस्तों नीचे की तरफ देख सकते हैं आप, आपको जो नीचे की तरफ लिखा हुआ दिख रहा है इस तरह से आपका पासवर्ड बनेगा। और दोस्तों जैसे ही आप ओपन वाले बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका ई पैन कार्ड यहाँ पर देखिए ओपन हो जाएगा, पासवर्ड आपका खुल जाएगा। दोस्तों इस तरह से आपको अपने ई पैन कार्ड को डाउनलोड करना है। उसके बाद दोस्तों आप इसकी प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं या फिर पीवीसी कार्ड पर भी इसे प्रिंट में ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आपको पैन कार्ड डाउनलोड करने में कोई परेशानी आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा।